वार्तालाप की आपका नजरिया आपकी आवाज की सभी युवाओं व बुजुर्गों को मुफ्त वैक्सीन योजना में यूं तो आजमगढ़ में प्रतिदिन हजारों लोगों का टीकाकरण हो रहा है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की साख पर बट्टा भी लग रहा है। आजमगढ़ मंडलीय अस्पताल से भी एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। सिरिंज के जरिए वायल से वैक्सीन निकालकर उसे डेस्क पर बेतरतीब रखा गया था। टीकाकरण केंद्र में लापरवाही देखकर वैक्सीन लगवाने के लिए आए लोग हैरान हो गए। इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि जब मंडली अस्पताल में वैक्सीन की बेकदरी इस कदर हो रही है तो सीएचसी पीएचसी की दशा क्या होगी। मिली जानकारी के मुताबिक जब दोपहर बाद भीड़ कम हुई तो टीकाकरण में जुटे कर्मचारी कुछ देर के लिए बाहर निकल गए। सरस्वती पुस्तक भंडार माओ, The Oriental Insurance Company Limited, माओ। उसी दौरान लोगों की निगाहें डेस्क पर पड़ी तो चौंक गए। दरअसल एक वैक्सीन वायल में घुसी सिरिंज में आधा ml वैक्सीन पड़ी थी। कोरोना महामारी को हराने की अभी तक की सबसे अचूक दवा समझी जाने वाली वैक्सीन की बेकदरी ने लोगों को परेशान कर दिया है। कौतूहलवश कुछ लोगों ने उसकी तस्वीर कैमरे में कैद कर ली। उसी दौरान कर्मचारी पहुंचे तो स्थिति भाप खामोश पड़ गए। पैच इंजेक्शन लगवाने को कतारबद्ध खड़े लोगों को वैक्सीन की फ्रेश डोज लगाई गई, जिससे विवाद की स्थिति नहीं बन सकी। वहीं दूसरी तरफ आजमगढ़ मंडल के अपर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर हबीबुल्ला ने बताया कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। इस अभियान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग के साथ ही वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर भी तमाम हिदायत दी गई है। मंडलीय अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन संघ लापरवाही के वीडियो वायरल होने के संबंध में उन्होंने जाँच कर कार्रवाई की बात कही है। यह भी कहा है कि वैक्सीन के सदुपयोग को लेकर शासन बहुत गंभीर है। हॉस्पिटल में एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक सर वायल पे और इंजेक्शन लगा के छोड़ दिया कर्मचारी ने, वो भी एक लापरवाही ही है। वायल पे वायल और इंजेक्शन लगा के ऐसे छोड़ दिया, मतलब कहीं चले गए जो वेट कर रहे हैं उसको लगाने के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए। तो उसको जैसे आपने सिस्टम बताया इतना, लेकिन वो उसी तरह छोड़ दिया है, मेज पे ही रखा है, जैसे यहाँ लगा के इसको छोड़ दिया है। नहीं, उसके लिए देखिए, जो सिरिंज से इंजेक्शन एक बार लगता है दोबारा नहीं लगता है, तो किसी भी वायल में अगर वैक्सीन है उसमें सिरिंज अगर डाला है निकालने के लगाने के लिए, तो वो गलत है, उसमें रखना नहीं है। जो भी सिरिंज आपने लगा लिया उसको हब कटर रहता है, उसको निडल काट देते हैं, उसको डिस्पोज नहीं कर देते हैं। और अगर जब दूसरा आदमी खड़ा रहेगा लगवाने के लिए आ जाएगा, तभी आप वायल में सिरिंज डालेंगे। ऐसा नहीं कि जो वायल है उसको भी डिस्पोज करना है और जो सिरिंज है उसको भी तुरंत, हब कटर रहता है जिसे काट के डिस्पोज करना है, ये इनकी पूरी ट्रेनिंग होती है, होती रहती है, और जो सुपरवाइजर बराबर देखते रहते हैं, इंस्पेक्शन करते रहते हैं। लेकिन सर ऐसा ही वीडियो जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वायरल हो रहा है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सिरिंज जो है उसमें डाल के जो है छोड़ दिए और पेशेंट जो है जो वैक्सीन लगाने वाले हैं खड़े हैं। नहीं तो ये गलती है, ऐसा हो सकता है कि नई सिरिंज उसमें डाले हो, किसी ने ले लिया हो भाई फोटो, ये हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई मतलब गाइडलाइन नहीं है कि आप उसमें डाल के छोड़े रहें। ठीक है, जब मरीज आए तब सिरिंज खोलिए, तब लगाइए उसको, उसमें से विड्रा करिए और लगाइए। ठीक है, और ऐसा कुछ है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। ठीक है, जो गाइडलाइन है उसके लिए बराबर ट्रेनिंग होती है, और जो भी सुपरवाइजर जाता है वो बराबर बताए, जैसे हम भी जाते हैं तो बराबर उनको गाइड करते हैं कि ऐसे करना है। Yeah.